कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन है। कोरोना के खौफ और लॉकडाउन के चलते देश भर में हजारों गरीब मजदूर पैदल ही अपने गांव घरों को लौट रहे हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट में दायर याचिका में पलायन को मजबूर लोगों के लिए खाने की व्यवस्था और दवाइयों का इंतजाम करने की मांग की गई है। साथ ही पैदल निकल पड़े लोगों को सरकार इमारतों में ठहराने का के इंतजाम की भी मांग की गई है। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कौन सा आई कार्ड चाहिए? पैसे लेके नहीं बिठा रहे? आपको भी नहीं बिठाया? कहाँ से आए हैं आप? न्यू दिल्ली से। हाँ, न्यू दिल्ली से। कहाँ जाना है? पहले तो जाना था बिहार। कैसे जाएंगे? अब जा रहे हैं न्यू दिल्ली वापस। डीटीसी वाले क्या कह रहे हैं? आई कार्ड दिखाओ। कौन सा आई कार्ड नहीं बताते? पैसे लेके नहीं बिठाते? हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर पर। गोपाल, तो सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। जिस तरह से मजदूर जो है वो पलायन करने को मजबूर हैं और सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस यहां पे कदम उनके लिए उठाते नहीं दिखा गया है। जी बिल्कुल आकांक्षा, अगर सरकार की तरफ से ठोस कदम उठाए गए होते तो शायद यह स्थिति नहीं आती, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लगातार जो मजदूर हैं, यूपी के हों या बिहार के हों, राजस्थान के हों, छत्तीसगढ़ के हैं, वो पैदल ही सड़क मार्ग से निकलना शुरू कर दिए हैं, वो जाने शुरू कर दिए हैं। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अलख आलोक श्रीवास्तव, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और कहा है कि सरकार को आदेश दिया जाए कि जो मजदूर सड़क मार्ग से अपने घर जा रहे हैं या अपने राज्य जा रहे हैं, उनके लिए भोजन, मेडिकल की व्यवस्था की जाए, साथ ही सरकारी आवास में रुकने की इंतजाम करने के आदेश दिए जाएं। जिस याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है, सुप्रीम कोर्ट सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए याचिका पर सुनवाई करेगा। जी गोपाल, क्योंकि ऐसे कई हजारों की संख्या में मजदूर हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे देश के अन्य राज्यों से हो, वो निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में जहां पर एक तरफ कई किलोमीटर का रास्ता जो है वो तय कर रहे हैं, कई मजदूर ऐसे भी हैं जो 500 किलोमीटर का रास्ता तय करके अपने घर को लौट रहे हैं, वहीं पे कोरोना का खतरा भी उनके लिए बढ़ता जा रहा है। तो ये जो याचिका है इसमें आपने बताया कि जो मांग की गई सरकारी इमारतों में ठहराने की और तमाम मांग की गई है, लेकिन जो मेडिकल फैसिलिटीज इनको मिलनी चाहिए उसको लेकर क्या कुछ यहाँ पे कहा गया है? देखिए आकांक्षा, इसको लेकर के अभी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से लगातार मजदूरों का पलायन जारी है, हजारों की संख्या में सड़क पर मजदूर दिखाई दे रहे हैं जाते हुए, अगर उन पर उनको लेकर के कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो जो आने वाला समय है वो बहुत खराब हो सकता है। भले ही सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, यह दावा करे कि उनके खाने का इंतजाम किया गया है, लेकिन एक्चुअल जो हैं जिन्हें इस चीज की जरूरत है उन तक पहुंच पा रहा है या नहीं, इसको भी सरकार को देखना चाहिए। हालांकि दिल्ली सरकार ने जरूर कहा कि 4 लाख लोगों को खाने का इंतजाम हम करें, लेकिन अगर खाने का इंतजाम किया गया होता तो शायद जो मजदूर हैं जो आज पैदल मार्ग के जरिए ही अपने घर की तरफ निकल चुके हैं वो शायद नहीं जाते। उनके लिए उनको समझाया बुझाया जाता, अधिकारियों से कहा जाता कि उन्हें समझाया बुझाया जाए, वापस लाने के लिए उन्हें वापस आने के लिए कहा जाए, कई तरीके हो सकते थे उन्हें रोकने के लिए, लेकिन सरकार ने कोई पहल नहीं किया है। यही कारण है कि जो मजदूर हैं वो मजबूरी में अपने घर जाना चाहते हैं। जी गोपाल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।